एमपी के रीवा जिले के मऊगंज के ढेरा में हुई व्यापारी की हत्या का मुख्य आरोपी नवीन शुक्ला ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर किया अपने आप को सरेंडर। मऊगंज के ढेरा में हुई व्यापारी की हत्या का मुख्य आरोपी नवीन शुक्ला ने सरेंडर करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जिसने बताया कि उसके ऊपर मृतक और उसके साथियों ने हमला किया था। घटना के बाद वह बेहोश हो गया था। उसे जानकारी नहीं है कि अशोक गुप्ता की मौत किन कारणों के चलते हुई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रवि शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर सरेंडर किया है। शरीर में लगे चोट से अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इसी मारपीट में अशोक गुप्ता की मौत हुई है। आइए सुनाते हैं हत्या के मुख्य आरोपी ने क्या कहा। है बोलने की स्थिति में, क्या घटना घटी थी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, बताइए पूरी घटना, बताइए कि आप कहाँ थे, क्या पूरा मारपीट। मेरा गांव ढेरा है। हाँ। मैं वहाँ से एक किलोमीटर पड़ता है पथरा गांव। वहाँ ढेरा गांव और पथरा गांव एक ही माना जाता है। शाम के वक्त करीब 5:30 बजे मैं वहाँ पे मिलन समारोह में गया था, तो सरपंच और के यहाँ जा रहा था। वहीं पे एक रोड में एक मुलायम खान का घर पड़ता है, वहाँ पे भी हम रुक के मिलने लगे। उन्होंने बोला कि चाय पी लीजिए भैया, फिर आप जाइए आगे। मैं वहीं चाय पी रहा था और तभी एक सफ़ेद मारुति से पांच लोग आए। उसमें से मैं सिर्फ दो को देखा हूँ, राजेश गुप्ता, अशोक गुप्ता। और इन लोगों ने जैसे ही आए मेरे पास, मैं बोला क्या अशोक भैया कितने समय आया, उसी समय पे राजेश गुप्ता ने राड मार दिया। अशोक गुप्ता ने ये दोनों मिलके राड मारने लगे, तो जो घर का ओनर था वो हल्ला किया कि देखो देखो गांव वाले मार डाले, ये लोग मार डाले। बस इतना जब मेरे से लगा तो मैं बेहोश हो गया, फिर मैं अपने आप को होश में रीवा में पाया। क्या पुराना कोई विवाद था कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? मेरे ऊपर कोई विवाद नहीं था, उनके साथ विवाद चल रहा था। कुछ विवाद नहीं था हमारा। उनके परिजनों कहने के पहले भी शिकायत की थी कि आपके द्वारा धमकी दी जा रही है, अपहरण करके मारपीट किया गया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। मारपीट के समय आपके साथ और कितने लोग थे? कोई भी नहीं था, सिर्फ वही ओनर था। सात लोग। क्या शुक्ला जी से कोई संबंध है? राजन शुक्ला जी के परिवार का नाम आ रहा था उनके बीच। नहीं, कोई संबंध नहीं। कोई रिश्तेदार है आपके? पारिवारिक कुछ है क्या जी? पारिवारिक कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाँव के है, मैं गाँव का हूँ। जब आपके ऊपर क्यों हमला कर दिया अचानक? कोई पुराना विवाद नहीं था तो? अभी ये वही लोग जाने, तो अभी आज शराब बेचता है। कौन बेचता है? वो लोग शराब बेचते हैं, शराब के व्यापारी हैं। तो अब क्या क्या कारण था अब मैं नहीं जानता। और जब अभी ये बाद में पता चला कि जो मारने आया था तो वो पिया बहुत था, बाकी लोग भाग गए थे और जो पिया हुआ था उसको ग्रामीण लोगों ने पकड़ लिया था। आपके ऊपर पुराने मामले भी चल रहे हैं कुछ? हाँ चल रहे हैं। काहे के मामले हैं? विचाराधीन चल रहे हैं। भैया आपका कहना है कि घटना में आपके सभी गिरफ्तार हुए हैं, वो कौन है, कहाँ? वो गांव के होंगे। जब गुहार मारा वो घर का ओनर, हल्ला किया तो पूरे गाँव के लोग, तो 7 लोग नहीं, मेरे को तो लगता था कि 100-200 आदमी आ गए थे, सब लोग थे। फिर आप भागे क्यों? जब आपके ऊपर हमला हुआ था तो फिर आप क्यों भागे? मैं भागा का, मुझे तो पुलिस लेके गई, फिर अस्पताल पुलिस पहुंचा। हॉस्पिटल 100 नंबर को फोन किया गया, 100 नंबर ने वहां पे लेके ट्रीटमेंट करवाया, फिर वहां से हमको रेफर कर दिया गया रीवा। और रीवा यहाँ आने के बाद फिर यहाँ मेरा ट्रीटमेंट जो हुआ होगा यही मेरा आँख खुला है। फिर यहाँ से मुझे छुट्टी दे दिया गया, फिर मैं अपने कमरा चला गया। तो अभी आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय काहे के लिए आए हैं? मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है, हादसा हो गया है, तो मुझे लगा कि प्रशासन के पास पहुंच जाना उचित रहेगा। चूंकि मैं अपने घर कमरे में था, चाहता था कि आप मतलब कुछ इधर उधर फोन लगाने की कोशिश भी किया, पर मेरा मोबाइल फूट चुका था,
तो क्या लगता है आपको झूठा मामला फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है? ये जो मैं तो बेहोश हो गया था सर, मेरे जैसे ही राड लगा मैं बेहोश हो गया, मेरी आंख तो रीवा में खुली। अब मैं नहीं जानता कि क्या है, मऊगंज पुलिस मुझे ले गई थी, ये लोग बता रहे थे, वहां से मुझे फिर रेफर कर दिया गया रीवा। यहाँ मेरी जरूर आँख खुली और यहाँ उन लोगों ने मेरा ट्रीटमेंट करके मुझे छोड़ दिया।